नसरुल्लागंज नगर क्षेत्र के ग्राम छिपानेर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 10 वर्षीय नाबालिग बालक के साथ ग्राम के ही दो लोगों द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित द्वारा इस बात की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन द्वारा थाना गोपालपुर पहुंचकर दो लोगों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कराया गया। वहीं जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ नसरुल्लागंज में किराए के मकान में रहते हैं तथा उनका नाबालिग लड़का उम्र 10 वर्ष उनके पिता के पास ग्राम छिपानेर में रहता है। जब 18 फरवरी को शिवरात्रि पर वह दोनों पति पत्नी अपने घर ग्राम छिपानेर गए थे, तब उनका नाबालिग लड़का चुपचाप था और उन्होंने शाम को करीबन 8 बजे उससे पूछा कि क्या परेशानी है, तो उसने बताया कि 16 फरवरी को उसे गाँव के नीलेश सैनी व अजय मालवीय ने बुलाकर नीलेश के खेत में ले जाकर दोनों ने उसके साथ गंदा काम किया है तथा उसके बाद उसे घर के सामने लाकर छोड़ दिया था। वहीं परिजन द्वारा गोपालपुर थाना पहुंचकर उक्त घटना पर मामला दर्ज कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्राम छिपानेर से धारा 377 का मामला सामने आया, क्या है मामला? ये ग्राम छिपानेर में थाना गोपालपुर के अंतर्गत आता है, जिसमें 377 का मामला सामने आया था, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना गोपालपुर में 370 और अन्य सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की भी गिरफ्तारी कर ली गई है, अन्य कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें दो आरोपी बताए जा रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और मेरे बच्चे के साथ दो लड़कों ने मिल के बलात्कार किया है, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कोर्ट कचहरी में। उनकी रिपोर्ट भी लिखवा दी, FIR भी दर्ज करवा दिया। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र है 10 साल की। और किन किन लोगों ने ये दुष्कर्म किया? और एक नीलेश सैनी है और एक अजय मालवी है। क्या बहाना करके ले गए थे बच्चों को? इनको गोली बिस्कुट खिला के बहाने से लेके गए और गलत काम किया इनके साथ। कहाँ ले गए थे? इसके नीलेश के खेत में लेके गए। कहाँ के निवासी दोनों लोग? ये दोनों छिपानेर के निवासी है। छिपानेर में पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, मगर सजा इनको डायरेक्ट फांसी की सजा होना चाहिए। मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया है इनने, तो डायरेक्ट इनको फांसी की सजा होना चाहिए। कब की घटना है ये पूरी? ये हम गए थे शिवरात्रि पे, तो शिवरात्रि पे आके इन बच्चों ने डरा चमका था, तो शिवरात्रि पे आके बताया। बच्चों को कहाँ से ले गए थे दोनों लोगों ने? घर से ही उठा के लेके गए थे गोली बिस्कुट का आलाज दे के। इसके बाद जो फिर जो होना था बच्चे ने फिर डर चमका के उनने बाद में बताया कि मारने की धमकी दे रहा था, मर्डर कर दूंगा, घर वाले को किसी को बताया तो मर्डर कर दूंगा तेरा। तो 2-3 दिन के बाद उनने बताया हमको। बच्चे ने कब बताया आपको? 3-4 दिन के बाद बताया बच्चे ने, मारने धमकी दे रहा था। श्री राधा माधव TVS शोरूम जो लाया है आपके लिए ब्रजवासियों के लिए एक बेहतरीन मौका गिफ्ट पाने का। जी हाँ, करवा चौथ के उपलक्ष्य में अपने गृह लक्ष्मी को दें एक निश्चित उपहार, 2100 तक का नगद डिस्काउंट। लाएं अपना आधार कार्ड और ले जाएं अपना वाहन और दें अपनी गृह लक्ष्मी को। श्री राधा माधव TVS शोरूम, राधिका विहार, सौंख रोड, मथुरा।